ये देखें बाइक को सर्विस हो रही है, ये 150 सुजुकी है, सर्विस स्टेशन के ऊपर। ये मतलब हाँ सरफ हरण जो 9 तारीख को है ना, वो सही है, वो जो आप उसपे हाँ ये आसान है। सुजुकी कामयाब बाइक है, बेहतरीन 150 से 125 जिसका रिजल्ट अच्छा है, उससे अच्छा है। ये जो है सेल्फ स्टार्ट है, उसके बाद इसका माइलेज भी कम है उससे, और हाँ और ये चलती है तो वाइब्रेट नहीं मारती, हिलती हिलता है, वो हिलती है, ये हिलती नहीं है। हाँ इस पर आप जो है यहाँ से आल पाक ग्रिप है बेहतरीन, इसमें आल पाकिस्तान का इस पर आप टूर कर सकते हैं। ये समझे कार है ये, नहीं नहीं मैं यहाँ का खैरपुर का ही हूँ। गाड़ी जो है रहीम यार खान का नंबर प्लेट है, OLX से परचेस की है मैंने, पर ये गाड़ी बड़ी अच्छी है। इससे पहले भी मेरे पास 150 थी, अभी भी 150 है, 125 वजनी गाड़ी है, 120 किलो ऊपर है, 120 किलो इसका वजन है, और ये जब चलती है तो बिल्कुल भी इसमें वाइब्रेट नहीं होता, आप ऐसे समझें जैसे कार में बैठे हुए हैं। हाँ इसके शॉक्स हो गए, जंप्स हो गए, ब्रेक हो गए, डिस्क ब्रेक है इसका, बड़ी बेहतरीन गाड़ी है ये सुजुकी की 150। ये जो है आपकी 150 cc है, लिखा हुआ है इसके ऊपर 150 cc, ये लिखा हुआ है 150 cc, बड़ी अच्छी बाइक है ये चलने में। मेरे हिसाब से तो ये उनकी कंपनी जो भी है पानी से बहुत खतरनाक है। नहीं नहीं पानी हो इसमें कुछ भी हो ये चलती है, सर्दियों में भी ये अगर आप बाहर भी खड़ा रखेंगे फिर भी ये एक सेल्फ पे स्टार्ट होती है। हाँ इसको ट्विनिंग की ज़रूरत भी नहीं होती, इसका सिर्फ आप मोबिल जो है टाइम टू टाइम चेंज करें बस, बस बिल्कुल भी नहीं करवाता। हाँ ऑयल चेंज करवाता हूँ, फिल्टर को वॉश करवाता हूँ बस। शेप जो है ना इसका, शेप इसका इंग्लिश शेप है, हैवी बाइक की तरह है, इसका शेप अच्छा है, बेहतरीन है। हाँ कलर भी इंग्लिश है इसका और शेप भी इसका बहुत अच्छा है। सुजुकी की गाड़ी ये बड़ी कामयाब गाड़ी है, बस ये लेते इसकी रीसेल इतनी नहीं होती, ये बस वो बंदा लेता है जो इसको रखना चाहे, जिसने इसको यूज़ किया हो। सेल इसकी इतनी डिमांड इसकी इतनी नहीं है, पर यह है कि जो ले लेता है उसके बाद आपको अगर जो इसको चलाने का आदी है वो 125 को नहीं चलाएगा, या और कोई भी 150 है जैसे होंडा की 150 है, 5 गियर हैं और पांचों के पांचों इसके गियर आगे हैं, हाँ पीछे नहीं है इसका गियर कोई भी। और इसमें मुबलल कितना डलता है? इसमें एक लीटर वाला, एक लीटर, हाँ पूरा एक लीटर। इसकी जो है पेट्रोल की एवरेज भी जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाँ 125 एक तो पेट्रोल बहुत यूज़ करती है, उसके बाद उसका शोर बहुत है, इसमें शोर नहीं है बिल्कुल भी, शोर है बाकी ये। हाँ ये बिल्कुल चुप जाती है, इसमें आपने हेलमेट पहन लिया आप जैसे गाड़ी में बैठे हुए हैं। हाँ हाँ इसकी शॉक की वर्किंग भी बेहतरीन है। इसमें पेट्रोल 12 लीटर, 12 लीटर, एक लीटर में ये तकरीबन 35 किलोमीटर चलती है। हाँ देखें आप ये 150
खूबसूरत बाइक है और ये बेहतरीन चलने वाली मोटरसाइकिल है। इसका ट्यूब, अब इसके टायर, ये मैंने, मेरे पास जो है ये ट्यूबलेस टायर नहीं है, वैसे इसके टायर जो है ट्यूबलेस भी आते हैं। आते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में ट्यूब वाले में ग्रिप है, ट्यूब वाले में ग्रिप है, वो आपको जो है कहीं पंचर हो जाती है गाड़ी तो पता नहीं चलेगा। ट्यूबलेस या रोड के हिसाब से, यहाँ के सही ये टायर यहाँ ठीक है। बहरहाल ट्यूबलेस का टायर भी अच्छा टायर होता है, वो ये है कि कहीं पंचर हो जाता है अगर छोटा मोटा तो उसको वो कवर कर लेता है। ये फिर भी सही है, बदल चला रहे हैं। हाँ, पर ये है कि ये कहीं, ये अगर कहीं पंचर हो गई आपकी तो उसके बाद जो है इसका आपको, अगर पंचर वाला करीब नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी। चैन भी बड़ा डला हुआ है। हाँ, इंजन इसका बड़ा है, मोटा है ये, चैन इसकी मोटी है, चैन ताकतवर चैन है इसकी। चाइना में तो इसको गर्ल्स चलाती हैं, लड़कियाँ, चाइना में इसको लड़कियां चलाती हैं और पहाड़ी इलाकों के लिए यूज़ होती है ये। इसके डिस्क वाला ब्रेक इसका कामयाब है, उसका अच्छा ब्रेक है। हाँ, ग्रिप भी है इसके डिस्क के ब्रेक में। तुम्हें आती है गाड़ी चलानी? तो चलो ये तुमसे अब चलवाएंगे इसको, सर्विस करवाने के बाद तुम चलाना इसको। भाई जी भर के पानी मारा, अभी देख रहे हैं सब लगा के। हाँ हाँ, इस हवा 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 लगाओ इसको, मैं तो कह रहा हूँ ऑयल लगा देना इसके ऊपर। ऑयल से यह है कि फिर अभी ये जो धुल जो गई है तो इसके बाद इसमें जंग नहीं लगेगा आपका, फिर इसको कपड़ा लगता रहे। हाँ, कपड़ा लगाने के बाद ऑयल लगेगा ना, या कपड़े से पहले ऑयल लगता है? ये डीजल लगता है, डीजल, डीजल, डीजल वही, ऑयल नहीं लगता। ठीक है, ठीक, ऑयल से क्या मिट्टी बहुत। अच्छा, अब इसको आप हवा लगा रहे हैं, अच्छा जैसे नमी होता है वो भी गायब हो जाएगा। ठीक ठीक, हवा लगवानी चाहिए ना गाड़ी को सर्विस करने के बाद। जरूरी है, जरूरी है। ठीक ठीक ठीक, हवा जरूरी, हवा से यह है कि जल्दी सूख जाती है गाड़ी, पानी फेरता नहीं है, निकल जाता है, निकल जाता है। फेरने वाला जो एक वो कम देता है। अच्छा, इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि इस पर जो है डीजल लगना चाहिए बाद में, हवा के बाद। हाँ,